इस घरेलू मैजिकल पाउडर की सिर्फ आधा चम्मच खा लें, आप 6 महीने तक बीमार नहीं पड़ेंगे। हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा ऐसा मैजिकल पाउडर जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देगा, आपको बीमार नहीं पड़ने देगा, आपके शरीर के आसपास कोरोना जैसी बीमारी को भी नहीं भटकने देगा। दोस्तों, आप शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए घर पर ही इस आयुर्वेदिक मैजिकल पाउडर को बना सकते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता शरीर को रोगों से बचा कर रखती है और शरीर में रोगों को खत्म करने का काम करती है। इसलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को शरीर की प्राण शक्ति भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे शब्दों में, तो जैसे हमारा ब्लड है उसमें 3 प्रकार के सेल्स होते हैं, एक WBC, दूसरा RBC और तीसरा प्लेट्स। जो WBC है यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, वे हमारे शरीर के लिए, हमारे खून के लिए सिपाहियों का काम करते हैं। अगर हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी वायरस हमारे शरीर के पास आता है, तो वो व्हाइट सेल्स ही उस बीमारी से लड़ते हैं। अगर आपका शरीर कहीं कट जाता है या कहीं पे आपको चोट लगती है, तो भी वो सिपाही ही आपकी उस चोट को ठीक करते हैं। और हमारा ये मैजिकल पाउडर आपके उन सिपाहियों की शक्ति और क्वांटिटी बढ़ाएगा। हाँ दोस्तों, इसी को इम्यूनिटी कहते हैं। अब आप इम्यूनिटी को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जैसे ही कोई भी मौसम बदलता है, तो आप देखते हैं आपके आसपास जितने भी डॉक्टर हैं, उनके बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं, काफी लोग बीमार हो जाते हैं। उसका कारण यही होता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कम हो चुकी है। और जैसे ही कोई मौसम बदलता है, खासकर जब बारिश का मौसम आता है, तो हमारे शरीर बीमारियां पकड़ लेता है, क्योंकि बारिश के मौसम में वायरस आराम से अपने आप को जिंदा रख सकते हैं और हमारे शरीर पर हावी कर देते हैं। और हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण हम जल्दी ही बीमार पड़ जाते हैं। चलो दोस्तों, सबसे पहले हम इस पाउडर को बनाना सीखते हैं। पर इसे बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये आयुर्वेदिक मैजिकल पाउडर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसका सेवन बड़े, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे, हर उम्र का कोई भी कर सकता है। इसको बनाने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे, वो आसानी से आपकी रसोई में मिल जाएगी और उनमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो किसी के लिए खतरनाक हो या किसी चीज का कोई साइड इफेक्ट हो। दोस्तों, इस पाउडर को बनाने के लिए आपको 6 चम्मच सौंफ चाहिए, 3 चम्मच जीरा चाहिए, 3 चम्मच साबुत धनिया, 2 चम्मच इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच लौंग, दालचीनी 1/2 चम्मच, सोल्ट पाउडर 1 चम्मच और हल्दी पाउडर 6 चम्मच। दोस्तों, जो ये आप हल्दी पाउडर और सोल्ट पाउडर देख रहे हैं, ये मैंने घर में खुद ही बनाया है। तो आप भी मोटी हल्दी लाएं और उसका पाउडर खुद बना लें और सोल्ट को भी इसी प्रकार से करें। किसी भी चीज को कोशिश करें कि आपको इनमें से कोई भी चीज पाउडर फॉर्म में नहीं खरीदनी है। अब इस मैजिकल पाउडर को बनाने के लिए आपको इन सब सामग्रियों को तवे पर डाल देना है। बस सोल्ट और हल्दी को आपको तवे पर नहीं डालना, क्योंकि ये पहले ही हमने पाउडर फॉर्म में चेंज कर रखा है। बाकी सभी 7 सामग्रियों को आपको अच्छे से भून लेना है। एक बात का ध्यान रखें दोस्तों, कि आपको इन्हें काला नहीं करना है, इनको जलाना नहीं है, इनका जो ऑयल बेस है वो नहीं खत्म करना है, नहीं तो जो इनके अंदर की शक्ति है, जो इनके गुण हैं, वो खत्म हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी ये सामग्रियां हैं, ये हल्की हल्की ब्राउन कलर की हो गई हैं। अब आप इसे एक मिक्सी में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। अब ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे कि ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो चुकी है। इसमें आप सोंठ और हल्दी भी मिला दें और एक बार फिर से इसे ग्राइंड कर लें, ताकि ये सब चीजें आपस में अच्छे से मिल सकें। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला चूर्ण बनकर तैयार हो गया है। इस चूर्ण को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लें, जिसके अंदर हवा ना जाए और ये खराब ना हो। दोस्तों, वैसे इसे आप 1 साल तक चला सकते हैं, क्योंकि हमने इसे भून कर इसके पानी का लेवल खत्म कर दिया है और इस कारण ये पाउडर खराब नहीं होगा। अब आपको इसे जानना है कि आपको इस पाउडर को खाना कैसे है, इसका सेवन कैसे करना है। इसका सेवन आपको 1/2 चम्मच की मात्रा में 1 गिलास गर्म पानी में डालकर करना है। दोस्तों, आप इसे और भी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप इसका 1/2 चम्मच खाकर ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं, या फिर इसके अलावा
आप घर में जब सब्जी बनाते हैं तो आप इसका आधा चम्मच अपनी सब्जी में डाल लीजिए और उसके बाद उसका सेवन करें। ये चूर्ण सिर्फ आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को नहीं बढ़ाएगा, इसके साथ साथ यह आपको और भी फायदे पहुंचाएगा। जैसे अगर आप मोटापे से परेशान हैं, लटकती हुई तौंद है, तो उससे भी आपको आजादी मिलेगी। शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करेगा। डायबिटीज को भी ये पाउडर कंट्रोल करता है, आपके पाचन तंत्र को ठीक करता है। आपको बदहजमी जैसी दिक्कतें हैं, गैस जैसी प्रॉब्लम है, वो भी सब ठीक हो जाएंगी। अगर आपको कब्ज की समस्या है तो वो भी छूमंतर हो जाएगी। खांसी और जुकाम में ये फायदेमंद है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और ये दिल के लिए भी काफी फायदेमंद है। तो आप इसे अभी बनाइए और एक बार ट्राई कर जरूर देखिए। आपको रिजल्ट मात्र एक हफ्ते में अपने आप में नजर आने लग जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए स्पेशली रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है, आपकी ये कमजोर होने के कारण क्या होते हैं, या फिर आप और भी चीजों से इन्हें कैसे बढ़ा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काढ़ा बनाना सिखाऊं, उसे बनाकर दिखाऊं, तो आप प्लीज मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं आप लोगों के लिए जल्द ही ये सब चीजें भी लेकर जरूर आऊंगा, अगर आपकी इच्छा होगी तो। इसके साथ ही प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों।